हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल यूट्यूब में स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लाई हूँ हक्का नूडल्स की यमी सी डिश, जो कि सभी बच्चों को तो मोस्टली सभी को बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हम बड़ों को भी बहुत अच्छी लगती है। सबसे पहले मैंने पैन में पानी बॉईल करने के लिए रखा है, उसमें मैंने डाले हैं ये हक्का नूडल्स। अब इनको कम से कम 5 से 8 मिनट तक हाई फ्लेम पर बॉईल करना है। जल्दी बॉईल हो जाते हैं, ये देखिए, देख सकते हैं आप कि बॉईल हो चुके हैं ये। और अब इनको उतार के ना बिल्कुल एकदम ठंडे पानी में टैप से एकदम से डायरेक्ट धो सकते हैं, बिल्कुल ठंडे पानी से, ताकि ये चिपके ना। और अब डाला है कुकिंग ऑयल, जो भी आप खाना पसंद करते हैं वो आप डाल सकते हो। उसमें हल्दी, उसमें सबसे पहले मैंने डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये भूनने के बाद में ये डाल दिया प्याज। गोल्डन फ्राई हो गया है, अब मैंने इसमें बेजिस डालना शुरू किया है। शिमला मिर्च डाली है, और ये पत्ता गोभी, और ये मटर। सर्दियां हैं, आपको बहुत सारी सब्जियों में ऑप्शंस मिल जाते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप डाल सकते हैं। नमक डाला है मैंने इसमें, अब ये हल्दी। नमक और मिर्च अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको ढक करके आराम से पकाएंगे, 5 मिनट में अच्छे से पक जाती है। बीच बीच में आप खोल करके देखते रहिए, चलाते रहिएगा। इसमें ये सोया सॉस डाली है मैंने, और ये विनेगर मतलब सिरका। ये टमाटो सॉस, ये मैंने घर पर ही चिल्ली सॉस बनाई हुई है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आप बोलेंगे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ये थोड़ा सा अजीनोमोटो डालेंगे हम इसमें। ये सारे चाइनीज डिशेज जो भी हम बनाते हैं ना, उसमें ये सब चीज़ें लगती ही हैं। ये थोड़ी सी काली मिर्च डाली है मैंने, और ये मैगी मसाला, अगर आप लोगों को पसंद है तो आप डाल सकते हैं। चाट मसाला, थोड़ी सी मिर्च, जैसा भी आप पसंद करना चाहें। ये डाल दिए नूडल्स, अब इनको अच्छे से इसके साथ में चलाना है, फोक से चलाना है, ताकि आपस में चिपके नहीं और सारी सब्जी इसमें मिक्स हो जाएगी। बन करके रेडी हो गए हैं, सर्विंग के लिए रेडी हैं। अगर आपको मेरे द्वारा बनाए हुए हक्का नूडल्स की रेसिपी पसंद आई है फ्रेंड्स, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरे निर्देशों अनुसार आप अगर बनाएंगे तो बहुत अच्छी लगेगी। और आप लोग न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। थैंक यू।